मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पलसूद में पीले चावल देकर वैक्सीन हेतु किया जा रहा है निमंत्रित। वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने हेतु शासन प्रशासन अपनी ओर से प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगर पलसूद में नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। नगर परिषद के सहायक राजस्व निरीक्षक दयाशंकर अमझरे ने बताया कि वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं नगर परिषद कर्मचारी नगर के घर घर जाकर पीले चावल देकर आमजन को प्रेरित कर रहे हैं एवं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए उमर फारूक से की यह रिपोर्ट। टीका लगाने से उनको भी आप संपर्क करें, अपने उनको भी सूचना करें, अपने घर वालों को जो रहे उनको भी जागरूक करें। इसलिए पीले चावल डाल का हम आपको नेता दे रहे हैं और आपको वहाँ अभियान में आने का। ठीक है, धन्यवाद। आप आए हमारे यहाँ, आपको सूचना दी, हम आगे सूचना देंगे। बहुत बढ़िया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दयाशंकर अमझरे। किस तरह वैक्सीनेशन को लेकर कार्य किया जा रहा है? देखिए, जैसे सबको विदित है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जो 25 और 26 दो तारीखों को रहेगा। जैसे कि आज 25 तारीख को वैक्सीनेशन है, तो हम लोगों ने घर घर जाकर नगर पालिका कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, हम सब लोग गए और सबको डोर टू डोर हर घर पहुंचकर पीले चावल देकर सबको निमंत्रण दिया कि भाई आप लोग आएँ और अपना फर्स्ट डोज, सेकंड डोज जो आपका शेष रहा वो भी लें और प्रथम डोज भी लें और हर्ड इम्यूनिटी कायम करें, जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। अधिक से अधिक लोग वैक्सीन कराएं, 100% लोग वैक्सीन कराएं, ऐसा हमने आह्वान किया है लोगों से। क्या रुझान देखने को मिला अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर? वैक्सीनेशन के मामले में हमारे सेंटर पर, एक कन्याशाला में जो सेंटर है, इस पर प्रगति है और 100% जितना हमको टारगेट दिया गया है उतना हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे। यहाँ पर अभी लोगों में उत्साह है, युवाओं में भी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करा रहे हैं।